Hello everyone, now let's move further with more concepts of object-oriented programming. For that, we will deal with constructors in Python now. We are having special functions in Python that begins and end with double underscore, and they are having a special meaning. And if we talk about a particular interest, then we are having a constructor in that respect. Here we are having a constructor which starts with double underscore, having the name in it, and it is also ending with double underscore. This special function gets called. Here we are having this function that is beginning with double underscore and having the name in it. Also, it is ending with double underscore, and this is a special function that get called whenever a new object of the class is instantiated. मतलब कि जब भी हमारी किसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल फंक्शन है जो कि खुद कॉल होगा जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. इस तरीके के फंक्शन को कंस्ट्रक्टर कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. और जनरली जो हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, इट इज़ फॉर द इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑल द वेरिएबल्स दैट वी आर यूजिंग इन द क्लास. Now let's move towards the example. When we are dealing with the constructor, तो जो example हम ले रहे हैं ये एक bird class का हम example ले रहे हैं. General मैं एक idea दे दूँ, bird class मतलब कि एक हमारी bird है जो fly करेगी. और तो जब fly करेगी bird तो उसके coordinates either x coordinate या y coordinate या दोनों coordinates हमारे change होंगे. तो जैसे gaming का एक concept है उसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है. अभी तक हमने इस तरीके के एग्जाम्पल की बात नहीं करी है ऊप्स के किसी भी लैंग्वेज लेक्चर में. तो यहाँ पर हमने एक क्लास बर्ड डिक्लेयर करी है. आफ्टर दैट वी आर डिफाइनिंग अ कंस्ट्रक्टर हेयर, एंड कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन. दैट्स वाई वी आर यूजिंग डेफ कीवर्ड फॉर डिफाइनिंग दिस कंस्ट्रक्टर. नाउ इन द ब्रैकेट्स वी आर पासिंग सेल्फ एज एन आर्ग्यूमेंट. देन इन दिस कंस्ट्रक्टर वी आर इनिशियलाइजिंग द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई. X and Y are the coordinates of the bird where the bird is currently located. तो initially हमने इनको zero value provide कर दी. Now the next other function is fly underscore up. ये भी एक function है, इसमें भी हमने उस particular object को pass किया है जिस bird की हम बात करेंगे. और fly up में हमने क्या किया कि y coordinate एक increment हो जाए, जैसे ही bird fly up हम call करें तो एक increment हो जाए. इसके बाद नेक्स्ट जो हमने कोड लिखा हुआ है उस कोड में एक बर्ड वन नाम का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है बर्ड क्लास के लिए. तो जैसे ही ये बर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है बर्ड वन, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये इनिट जो कंस्ट्रक्टर है इट विल बी कॉल्ड इट्सेल्फ, बट फ्लाई अप विल बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली. तो हम जब यहाँ पर प्रिंट बर्ड वन डॉट एक्स और बर्ड वन डॉट वाई प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू प्रिंट होंगी? जीरो जीरो. बिकॉज जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और एक्स और वाई की वैल्यू को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जीरो फिक्स कर देगा. सेल्फ मींस इट इज़ रेफरिंग टू द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहाँ कौन सा है? बर्ड वन. इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हमने कॉल किया है बर्ड वन डॉट फ्लाई अप. तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, हियर वी आर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट बाय वन. तो यहाँ हमने वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दिया है, तो जीरो से वाई की वैल्यू हो गई वन. तो पहला प्रिंट स्टेटमेंट तो प्रिंट करेगा जीरो जीरो एक्स और वाई की दोनों की वैल्यूज़, क्योंकि केवल यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है. और दूसरे में हमने फ्लाई अप फंक्शन कॉल किया है तो एक्स की वैल्यू तो सेम रहेगी और हम वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, देन द वैल्यू विल बी जीरो वन लाइक दिस. तो आउटपुट है यहाँ पर जीरो जीरो एंड जीरो वन. Now let's take other example to make it more clear the concept of constructor. Here we are having multiple objects from a class. एक class को एक से ज़्यादा instance भी हम दे सकते हैं, तो उसके लिए हम multiple objects create करेंगे. Same वही हमने function लिखा है, वही हमने constructor लिखा है उसी class के लिए, bird class के लिए. तो init एक constructor है, fly up हमारा एक function है. इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की. तो बर्ड्स नाम की हमने एक लिस्ट क्रिएट करी है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ किया, और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से हमने बर्ड्स जो है ये यहाँ पर बर्ड्स नाम के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं बर्ड क्लास के लिए. तो पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा बर्ड्स जीरो, फॉर एक्स इन रेंज जीरो,
तो जैसे ही ये जीरो के लिए ट्रू होगा, इट विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ बर्ड क्लास, दैट इज बर्ड जीरो. देन इट विल मूव टू द वैल्यू वन, देन इट विल क्रिएट द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बर्ड वन, देन इट विल मूव टू टू एंड इट विल क्रिएट द बर्ड टू ऑब्जेक्ट फॉर दिस बर्ड क्लास. अब इसी तरीके से हमें इनको प्रिंट करवाना है एक एक वैल्यू को इस लिस्ट से. तो मेन डॉट बर्ड, मेन डॉट बर्ड एंड मेन डॉट बर्ड. अब अगर हम इन तीनों के एड्रेसेस देखें तो क्योंकि ये तीनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो इनकी तीनों की मेमोरी लोकेशन हमारी अलग अलग प्रिंट हो रही है यहाँ पे. नाउ द नेक्स्ट इज रिफाइनिंग द बर्ड क्लास. रिफाइनिंग द बर्ड क्लास मीन्स वी आर चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ दिस बर्ड क्लास ईच एंड एवरी टाइम वी आर इनिशियलाइजिंग द कंस्ट्रक्टर एंड ईच एंड एवरी टाइम वी आर डीलिंग विद द न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास बर्ड. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने पैरामीटर्स दिए हैं इनिट मेथड को. अब वो मेथड डिपेंड कर रहा है कि पहले तो हमने यहाँ पर डिफॉल्ट एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, जिसमें कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का हमने यूज़ किया है. जब फंक्शन प्रोग्रामिंग हमने पढ़ी थी तब हमने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की बात की थी. तो यहाँ हमने क्लास बर्ड डिक्लेयर की, देन वी आर डिक्लेयरिंग और वी आर डिफाइनिंग अ कंस्ट्रक्टर नेमली इनिट. वी आर हैविंग थ्री आर्ग्यूमेंट्स हियर. फर्स्ट वन इज सेल्फ, द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू विच द कंस्ट्रक्टर इज रेफरिंग एट करंट पोजिशन. एंड एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर एक्स. एंड वाई इज इक्वल टू जीरो इज द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर वाई. इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द वैल्यू वैन वी आर डिक्लेयरिंग द ऑब्जेक्ट, देन इट विल टेक इट एज जीरो एंड जीरो फॉर बोथ एक्स एंड वाई. देन वी आर असाइनिंग सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड सेल्फ डॉट वाई इज इक्वल टू वाई, वॉट एवर वैल्यू वी आर पासिंग विद द डिक्लेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट फंक्शन वी आर डीलिंग हेयर इज फ्लाई अप. वही सेम फंक्शन कि जब बर्ड ऊपर मूव करेगी तो वाई कोऑर्डिनेट में हम एक इंक्रीमेंट करेंगे. अब यहाँ पर हमने पहले एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रखा है जिसका नाम है बर्ड वन, और उसमें हमने दो वैल्यूज पास कर रखी हैं 10 और 20. सो दिस सेल्फ विल रेफर टू द डेटा ऑफ बर्ड वन ऑब्जेक्ट. ये जो सेल्फ है यहाँ पे बर्ड वन ऑब्जेक्ट के डेटा को रेफर करेगा. एंड 10, 20 आर द वैल्यूज दैट आर रेफरिंग टू दिस वेरिएबल एक्स एज वेल एज दिस वेरिएबल वाई. तो जब हम यहाँ पर बर्ड वन डॉट एक्स और बर्ड वन डॉट वाई प्रिंट करवाएंगे, इट विल प्रिंट 10 एंड 20. सेकेंड स्टेटमेंट में, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा है बर्ड वन डॉट फ्लाई अप, मतलब कि जो फ्लाई अप हमने फंक्शन कॉल किया है वो बर्ड वन ऑब्जेक्ट पे कॉल किया है. बर्ड वन ऑब्जेक्ट के लिए एक्स वाई की वैल्यू थी 10 और 20, तो वाई में फ्लाई अप में हम एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं. ये एक इंक्रीमेंट करके जो नई वैल्यूज प्रिंट करेगा दैट विल बी 10 एंड 21, एंड द आउटपुट विल बी लाइक दिस 10 and 20 initially, after that 10 and 21. Now in this example, what we are doing is we are having the same class bird with the same constructor and with the same method fly up. In this we are dealing with multiple objects. Multiple objects का मतलब है कि अगर bird class की बात करी जाए तो multiple birds के साथ हम deal कर रहे हैं, कि एक साथ group of birds हमारा उड़ रहा है या फ्लाई कर रहा है. तो सबसे पहले हमने बर्ड्स एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पर क्रिएट की. नाउ उसमें एक एम्प्टी लिस्ट में हमने पहला ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया है दैट इज़ एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट. और एम्प्टी ऑब्जेक्ट का मतलब है कि बर्ड्स पहला जो होगा बर्ड जीरो दैट विल रेफर टू एक्स एज जीरो एंड वाई एज जीरो, क्योंकि हमने यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को ले लेगा. सेकेंड लिस्ट में जो हमने अपेंड किया है वो 10 और 20 वैल्यू के साथ बर्ड वन ऑब्जेक्ट को अपेंड कर दिया. एंड द थर्ड वन इज बर्ड टू ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने 15 और 22 दो पैरामीटर्स पास किए, तो एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी 15 और 22. नाउ इन दिस फॉर लूप वी आर हैविंग फॉर इंडेक्स कॉमा ऑब्जेक्ट इन इनमरेट बर्ड्स. तो ये जो इनमरेट फंक्शन है ये इस बर्ड्स ऑब्जेक्ट जो बर्ड्स हमारी लिस्ट है उसमें से इंडेक्स रिटर्न करेगा दैट विल बी रिटर्न टू इंडेक्स, और जो भी बर्ड्स ऑब्जेक्ट का डेटा है दैट विल बी रिटर्न टू ओबीजे. तो यहाँ पर हमने प्रिंट करवाया है पहले इंडेक्स बर्ड इज फ्लाइंग एट पोजीशन दिस. तो बर्ड पहले प्लेस होल्डर में आ जाएगा इंडेक्स, जो कि इनमरेट से हमारा रिटर्न हुआ है. दूसरा अब हम डील करेंगे बर्ड जीरो जो पोजीशन थी उसके जो भी डेटा था वो ओबीजे में आ जाएगा फर्स्ट टाइम में. तो ओबीजे डॉट एक्स, तो इंडेक्स जीरो एंड ओबीजे विल रेफर टू द बर्ड जीरो फॉर द फर्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप. जब लूप सेकेंड टाइम आइटरेट होगा तो बर्ड वन हमारा बर्ड्स वन एक्सेस होगा, बर्ड्स वन का इंडेक्स होगा वन, और बर्ड्स वन की जो भी वैल्यूज थी उससे रिलेटेड वैल्यूज एक्स और वाई की दैट विल बी रिटर्न्ड विद दिस ओबीजे. तो ऑब्जेक्ट हमारा
बर्ड्स टू जो है, बर्ड्स वन जो है वो ओबीजे में रिटर्न हो जाएगा. तो यहाँ पर ओबीजे डॉट एक्स और ओबीजे डॉट वाई सेकेंड हमारी जो एलिमेंट है लिस्ट का उसके लिए प्रिंट हो जाएगा. एंड द लास्ट वन इज फॉर बर्ड्स टू, उसके लिए 15 और 22 वो हमारी वैल्यूज रिटर्न होंगी एक्स वाई की. नाउ बर्ड जीरो इज फ्लाइंग एट पोजिशन 0 0 क्योंकि पहली बार में इंडेक्स था 0 और ओबीजे में जो वैल्यू थी वो थी 0 और 0. ओबीजे वॉज रेफरिंग टू द बर्ड जीरो ऑब्जेक्ट एंड सिमिलरली फॉर सेकेंड एंड सिमिलरली फॉर थर्ड. नाउ इन दिस एग्जाम्पल वी आर चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ क्लास बर्ड. अब बिहेवियर की अगर बात करी जाए बर्ड के रेस्पेक्ट में, तो बिहेवियर है कि बर्ड, अब अभी तक हमने देखा कि वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग ही केवल बर्ड मूव कर रही है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है. अगर हम रियलिस्टिक इसको देखें, बर्ड हो सकता है बैकवर्ड मूव करे, तो हमें वाई या एक्स कोऑर्डिनेट में डिक्रीमेंट करना पड़े, या फिर हो सकता है कि बर्ड हमारी अपवर्ड मूव करे या बर्ड हमारी फॉरवर्ड मूव करे, तो अकॉर्डिंगली हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना होगा. तो यहाँ जो ये एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं इसमें केवल हम एक्स और वाई में इंक्रीमेंट दिखा रहे हैं. बाकी जब हम डील करेंगे इसमें कि बर्ड किस तरीके से मूव कर सकती है, तो रियलिस्टिक हम अकॉर्डिंगली इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं. तो ये जो फ्लाई फंक्शन है यहाँ पे, इनिट फंक्शन तो सेम ही काम कर रहा है कि इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है एक्स और वाई को, बट द फ्लाई फंक्शन इज इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट. अब अगर मल्टीपल बर्ड्स की हम बात करें, तो मल्टीपल बर्ड्स के हमें कोऑर्डिनेट मैच करने होंगे. कोऑर्डिनेट मैच इसलिए करने होंगे कि आपस में बर्ड्स जो भी हैं वो कोइंसाइड ना करें, या किसी भी ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोइंसाइड ना करें. तो उसी के रिगार्डिंग हम गेमिंग में आगे डेवलपमेंट करते हैं. तो अगर इस एग्जांपल की हम बात करें, वी आर हैविंग अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स हियर. ये बर्ड्स नाम का ऑब्जेक्ट है. इसके बाद इस लिस्ट में हमने अपेंड किया है सेम, पहले हमारे इनिशियल वैल्यू 0 0 है क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आर 0 0 है. एंड द सेकेंड वन इज वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 एंड वाई इज 20 एंड इन द थर्ड ऑब्जेक्ट वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज 15 एंड वाई इज 22. अब अगर इसको जनरली हम कोरिलेट करें, तो कहने का मतलब ये है कि पहली बर्ड जो है वो हमारी 0 0 कोऑर्डिनेट पे है एक्स 0 एंड वाई 0, जो हमारी दूसरी बर्ड है दैट इज ऑन द कोऑर्डिनेट 10 20 एंड द थर्ड बर्ड इज ऑन द कोऑर्डिनेट 15 22. तो इन चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी बर्ड्स जो हैं कोइंसाइड नहीं कर रही हैं. ठीक है, अब हम फर्दर मूव करें. वी आर प्रिंटिंग द पोजीशन ऑफ ईच बर्ड. इन प्रिंटिंग दिस इनेमरेट फंक्शन इज डूइंग द सेम वर्क एज इट वॉज डूइंग इन द प्रीवियस कोड. इट इज रिटर्निंग द इंडेक्स एंड इट इज रिटर्निंग द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो पहली बर्ड के लिए इंडेक्स है 0 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू है हमारी, ऑब्जेक्ट में क्या क्या वैल्यूज हैं एक्स वाई की 0 0, तो वो हमारी प्रिंट हो जाएंगी. उसके बाद सेकेंड के लिए इंडेक्स है 1 और वैल्यूज हैं 10 20, तो वो प्रिंट हो जाएंगी. एंड फॉर द थर्ड बर्ड वी आर हैविंग द इंडेक्स 2 एंड द वैल्यूज एज 15 एंड 24 एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली. सो इट विल प्रिंट बर्ड 0 इज फ्लाइंग एट पोजिशन 0 0, बर्ड 1 इज फ्लाइंग एट पोजिशन 10 20 एंड बर्ड 2 इज फ्लाइंग एट पोजिशन 15 22. नाउ मूविंग फर्दर, वॉट वी आर डूइंग इज वी आर चेंजिंग द लोकेशन ऑफ बर्ड. बर्ड के कोऑर्डिनेट्स या बर्ड की लोकेशन जो है वो हम चेंज कर रहे हैं फ्लाई फंक्शन का यूज करके. तो जो बर्ड 0 0 कोऑर्डिनेट पे थी, बर्ड 0, उसको फ्लाई फंक्शन हमने लगा दिया 5 और 2, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में 5 का इंक्रीमेंट हुआ है और वाई कोऑर्डिनेट में 2 का इंक्रीमेंट हुआ है. तो बस की सॉरी तो बर्ड की जो पोजिशन है दैट इज चेंज्ड. अब बर्ड 1 की अगर हम बात करें, तो हमने उसमें फ्लाई फंक्शन अप्लाई किया है एक्स कोऑर्डिनेट में 4 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट में 5 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट. सिमिलरली विद द बर्ड 3rd एंड वी आर चेकिंग इट एज वी आर अपडेटिंग इट एज बर्ड 3rd इज मूविंग एट एक्स इज इंक्रीमेंटेड बाय 3 एंड वाई इज इंक्रीमेंटेड बाय 8. नाउ वी आर प्रिंटिंग द अपडेटेड पोजिशन कि अब उनकी करंट पोजिशन क्या है. तो हमने ऑब्जेक्ट्स में चेंज कर दिया है बर्ड 0, बर्ड 1 एंड बर्ड 2. तो अब यहाँ पर जो इनुमरेट बर्ड है वो एक्स और वाई की नए वैल्यूज को रिटर्न करेगा. और जब हम इस कोड को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा. जो हमारे इनिशियल पोजिशंस थी वो आ गई और अपडेटेड पोजिशन क्या है, 0 0 में 5 और 2 का इंक्रीमेंट, देन इट विल बी 5 2, 10 20 में 4 5 का इंक्रीमेंट, इट विल बी 14 25, एंड इन 15 20 एंड इन 15 22 देयर इज अ इंक्रीमेंट ऑफ 3 एंड 8
in both end x and y. So it will be 18 and 30. Now the next thing is adding a new method. मतलब देखा जाए तो ये भी बिहेवियर में ही थोड़ा सा चेंज है. बिहेवियर में चेंज मतलब कि हमारी क्लास बर्ड अभी तक क्या कर रही थी, इनिशियलाइज कर रही थी x और y कोऑर्डिनेट को. द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वी वर डूइंग कि हमने पहले केवल y कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट किया. अब हमने देखा कि बर्ड का मूवमेंट खाली एक डायरेक्शन में तो होगा नहीं, मल्टीपल डायरेक्शन में हो सकता है, तो हमने x और y में इंक्रीमेंट किया. इसके साथ साथ हम चाहें तो x y में डिक्रीमेंट वाला भी लगा सकते हैं मेथड इफ वी वॉन्ट. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन वन बर्ड एंड अदर बर्ड. एक बर्ड और दूसरी बर्ड के बीच का अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमारे पास एक फार्मूला होता था कि अगर हमारे पास दो बर्ड के, यहाँ एक्स एक बर्ड का और दूसरी बर्ड की बात ना करें, अगर एक्स वन एक्स टू और वाई वन वाई टू इन कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर. तो वही हमने यहाँ पर अप्लाई किया है. एक्स वन वाई वन सुनने में थोड़ा सा ईजी लगता है इसीलिए मैंने उसको रिलेट किया था. अब हम बात करते हैं कि एक्स वन है पहली बर्ड का कोऑर्डिनेट और एक्स टू है दूसरी बर्ड का कोऑर्डिनेट. तो अब सेल्फ डॉट एक्स इज रेफरिंग टू एक्स वन, अदर बर्ड डॉट एक्स इज रेफरिंग टू एक्स टू. नाउ यू कैन रिलेट इट विद द फॉर्मूला. अब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और इस फंक्शन से डिस्टेंस को रिटर्न करवा लिया. अब जैसे ही हमने बर्ड वन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और बर्ड टू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दो अलग अलग बर्ड हैं जो कि अलग अलग प्लेस पर हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए. एंड इन दिस वी आर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज रिटर्न टू दिस बर्ड वन डॉट गेट डिस्टेंस बर्ड टू. बर्ड वन मतलब ये पास हो जाएगा सेल्फ में क्योंकि पहला हमने, अब आप रिलेट करेंगे जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि सेल्फ और अदर बर्ड, यहाँ पर हमने दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं गेट डिस्टेंस नाम के फंक्शन में, लेकिन हमने यहाँ लिखा है केवल बर्ड टू. तो बर्ड टू तो जाएगा अदर बर्ड में, जो भी इसके वेरिएबल्स होंगे, जो भी इसका डेटा होगा, और सेल्फ विल रेफर टू द बर्ड वन. जो बर्ड वन ऑब्जेक्ट है, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिससे हमें दूसरी बर्ड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो सेल्फ हमारा उसको रेफर करेगा. नाउ वी कैन प्रिंट द डिस्टेंस बिटवीन टू बर्ड्स लाइक दिस. इट इज दिस विद द वैल्यूज 10, 20 एंड 50, 25. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रक्टर. इसका नाम भी हमें खुद बता रहा है, कंस्ट्रक्टर मीन्स टू कंस्ट्रक्ट एनीथिंग एंड डिस्ट्रक्ट मीन्स टू डिस्ट्रक्ट वट एवर वी हैव कंस्ट्रक्टेड. तो इनिट फंक्शन जो हम यूज़ कर रहे थे, इनिट कंस्ट्रक्टर जो हम यूज़ कर रहे थे, उससे हम जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे थे. अब जैसे ही उनका यूज़ ख़त्म हो जाता है, वी कैन कॉल द डिस्ट्रक्टर एंड इट विल डिलीट ऑल द डेटा रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो डिस्ट्रक्टर जब हमें डिफाइन करना है, सेम ही मेथड है. इंस्टेड ऑफ इनिट वी विल यूज डेल विद टू अंडरस्कोर इन द बिगनिंग एंड टू अंडरस्कोर इन द एंड एंड सेल्फ रेफर्स टू द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वी आर डीलिंग विद. हियर वी आर डिक्लेयरिंग अ क्लास, क्लास टेस्ट क्लास, देन वी आर डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्टर. तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे और एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा ओबीजे टेस्ट क्लास के लिए, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टर अपने आप से कॉल हो जाता है. तो यहाँ अभी तक जो हम काम करवा रहे थे वो एक्स वाई का इनिशियलाइजेशन करवा रहे थे, इसलिए शो नहीं हो रहा था. यहाँ पर हमने प्रिंट करवाया है कंस्ट्रक्टर, तो प्रिंट हो गया जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है टेस्ट क्लास का. अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना चाहें तो इसकी मेमोरी लोकेशन यहाँ पर प्रिंट हो गई है कि कहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है मेमोरी में. एंड एज वी आर डिलीटिंग द ऑब्जेक्ट, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट डिलीट करा, तो ऑब्जेक्ट के डिलीट करते ही हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया और डिस्ट्रक्टर प्रिंट हो गया स्क्रीन पे. नाउ इफ आई वांट टू प्रिंट द डिटेल्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट देन इट विल गिव एन एरर सिंस द ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड. सो इट इज गिविंग एन एरर एंड द एरर इज नेम ओबीजे नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर. Further, we will move with other concept of object-oriented programming. Thank you.